तीसरे दिन के खेल का एक घंटा पूरा हो चुका है। इस घंटे में सिर्फ टीम इंडिया 17 रन अपने स्कोर पर जोड़ पाई है और उसने अपने 5 बेहद ही महत्वपूर्ण विकेट भी गंवा दिए हैं। टीम इंडिया का स्कोर 6 विकेट के नुकसान पर 26 रन रहा और उनके पास फिलहाल कुछ 89 रन की बढ़त है। ऑस्ट्रेलियाई टीम ने दूसरे दिन के निराशाजनक प्रदर्शन से उभरते हुए अपनी पकड़ मैच में बेहद मजबूत कर ली थी। बिहारी 4 और शार 3 रन बनाकर खेल रहे थे, तो इसी बीच टीम इंडिया ने सिर्फ 26 के स्कोर पर ही 7वां विकेट भी गंवा दिया। वहीं शाह 4 रन बनाकर हेजलवुड का शिकार बने, तो वहीं टीम इंडिया के पास अभी सिर्फ 89 रन की बढ़त है। टीम इंडिया पर टेस्ट क्रिकेट में अपने सबसे कम स्कोर पर आउट होने का खतरा मंडरा रहा है। तो वहीं आपको बता दें कि हेजलवुड 2 गेंद पर 2 विकेट ले चुके हैं। हेजलवुड हालांकि हैट्रिक लेने से चूक गए। टीम इंडिया का स्कोर 8 विकेट के नुकसान पर 26 रन है। वहीं टीम इंडिया बेहद मुश्किल में फंसी हुई नजर आ रही है। तो वहीं हेजलवुड ने बिहारी का विकेट लेते ही टीम इंडिया की रही सही कसर भी तोड़ दी थी और उनको भी पवेलियन की राह दिखा दी। और अब टीम इंडिया का स्कोर 36 पर 9 विकेट रहा और अब उमेश यादव और शमी क्रिस पर खेल रहे हैं। वहीं आपको बता दें टीम इंडिया ने अपना 9वां विकेट भी गंवा दिया है और 30 रन पर इंडिया के 9 खिलाड़ी पवेलियन वापस लौट चुके हैं। टेस्ट क्रिकेट में इंडिया का न्यूनतम स्कोर 42 रन है। वहीं टीम इंडिया उस लक्ष्य के करीब भी पहुंचती हुई दिखाई नहीं दे रही। हेजलवुड 5 विकेट ले चुके हैं और कमिंग्स ने 4 विकेट लिए हैं। भारत का कोई बल्लेबाज हाई का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाया है। वहीं 62 रन के स्कोर पर अब टीम इंडिया ने अपनी पारी भी घोषित कर दी है। खैर, अब देखना होगा कि टीम इंडिया इस छोटे से स्कोर को कैसे बचा पाती है। खैर, आपकी क्या राय है हमारे कमेंट बॉक्स पर मेंशन करना ना भूलें। LD न्यूज रूम की रिपोर्ट।